हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनालिटी की थियोरीज के बारे में, पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट, मीनिंग और जो पर्सनालिटी असेसमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम ऑलरेडी पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट पर्सनैलिटी की थियोरीज के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। शुरू करने से पहले एक जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर आपको ये वीडियो में से कुछ भी समझ ना आए, पहले तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। सो सबसे पहले शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ थियरीज। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं पर्सनालिटी थियरीज की, तो हम इनको इन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है टाइप थियरीज, दूसरा है ट्रेट थियरीज, तीसरा टाइप कम ट्रेट थियरीज, साइको एनालिटिकल थियरीज, ह्यूमनिस्टिक थियरीज और लर्निंग अप्रोच। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो टाइप थियरीज और ट्रेट थियरीज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब टाइप थियरीज में भी कौन कौन सी थियरीज हम पढ़ते हैं, यूजुअली हाइपोक्रेट्स या हिपोक्रेट्स बोल लीजिए, नाम है ये साइकोलॉजिस्ट के, क्रेट्समो, शेल्डन, कार्ल जंग और फ्राइड रोजनमैन। ट्रेट थियरीज की जब हम बात करते हैं तो एल्पोर्ट और कैटल के बारे में बात करते हैं। टाइप कम ट्रेट थियरीज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर बुक्स की मैं बात करूं तो अच्छी अच्छी बुक्स, जितनी भी बुक्स हैं उन सब में ये जो आइसन की थियरी है, हंस HANS, हंस आइसन की थियरी है, ये टाइप कम ट्रेट थियरी में दे रखी है। लेकिन आप जितनी भी इससे रिलेटेड पर्सनैलिटी की थियरी से रिलेटेड अगर आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं या फिर आप गूगल सर्च कर रहे हैं या फिर आप टीचर्स से भी, क्योंकि मोस्टली टीचर्स भी यही सजेस्ट करते हैं कि आइसन की थियरी को ट्रेट थियरीज में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन टीचर्स भी ये बात मानते हैं कि जो बुक्स हैं उनमें इसको टाइप कम ट्रेट थियरी में इन्वॉल्व किया गया है। तो अब ये हम पे डिपेंड है कि हम किस तरीके का एग्जाम लिख रहे हैं, तो ये आंसर जो है वहां से चेंज हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये थियरी कौन सी थियरीज में आती है और वहां पे सिर्फ टाइप और ट्रेट थियरीज के ही ऑप्शन है, टाइप कम ट्रेट थियरी ऑप्शन में ही नहीं है, तो हम इसको ट्रेट थियरी में इंक्लूड करेंगे। लेकिन जहां पे भी टाइप कम ट्रेड थियरीज मिले तो हम मोस्टली ऐसा ये जो आइसन की थियरी है इसको टाइप कम ट्रेड थियरी में इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूड करते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। उसके बाद साइको एनालिटिकल थियरी, जिसमें फ्रूड की साइको एनालिटिकल थियरी पढ़ते हैं हम, एल्डर की क्लासिफिकेशन भी इसी में इंक्लूडेड है। ऐसे ही ह्यूमनिस्टिक थियरी में कार्ल रोजर की सेल्फ थियरी और मैस्लो की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थियरी, यानी कि जो मैस्लो की नीड, हायरार्किकल नीड की थियरी है वो ह्यूमनिस्टिक थियरीज में इंक्लूड होगी। लर्निंग अप्रोच में हम ये वाली लर्निंग थियरी पढ़ते हैं, डोलर्ड और मिलर की। अब पॉइंट ये है कि आपको कौन से एग्जाम के लिए कितना पढ़ना है। अगर आप बीएड और एमएड में हैं तो टाइप और ट्रेट थियरीज डायरेक्ट, सिर्फ टाइप और ट्रेट थियरी आपके सिलेबस में होगा मोस्टली। उसमें भी आपको पर्टिकुलरली, जैसे हमने देखा कि टाइप थियरीज में ये थियरीज हम पढ़ते हैं, तो उसमें मेंशन नहीं होगा कि आपको ये थियरीज पढ़नी है। तो जो मोस्ट पॉपुलर थियरीज हैं, हिपोक्रेट्स, क्रेट्समो, शेल्डन, ये वाली थियरीज में से हम कोई भी एक या दो थियरी कर लेते हैं। तो ये बीएड एमएड की बात हुई। अगर टीचिंग एग्जाम्स की बात करें, जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनमें पर्सनालिटी की थियरीज से रिलेटेड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। उस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में भी टाइप और ट्रेट थियरी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं। यूजीसी नेट की अगर बात करें तो फ्रॉइड की, ये जो कार्ल रोजर की जो ह्यूमनिस्टिक थियरी है वो, तो ये पांच थियरीज जो है वो यूजीसी नेट में इंक्लूडेड है। लेकिन ये थियरीज तो डिटेल में, प्लस किसने कौन सी थियरी दी और उसमें मेन टाइप्स क्या हैं, वो आपको यूजीसी नेट के लिए डिटेल में पता होने चाहिए, क्योंकि नाम सिर्फ इनके दिए हुए लेकिन क्वेश्चन जो है वो बाकी थियरी से भी आ जाता है, मोस्टली देखा गया है। तो इस तरीके से आप जो है जिस भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं वो आप देख लीजिएगा कि टीचिंग एग्जाम्स के लिए आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। ऑल्दो मैं आगे भी समझाते टाइम आपको अभी बता दूंगी। सबसे पहले, क्योंकि हम टाइप और ट्रेट थियरीज पे फोकस कर रहे हैं तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। यही दो थियरीज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है टाइप और ट्रेट थियरी में। तो अगर हम ब्रॉड वे में देखें तो जो टाइप थियरीज हैं, ऑब्वियसली दोनों थियरीज पर्सनैलिटी से रिलेटेड है कि आप ह्यूमन की पर्सनैलिटी को कैसे असेस करेंगे। तो टाइप थियरीज में ब्रॉड पैटर्न इंक्लूडेड है, यानी बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड आप ब्रॉड पैटर्न में डिवाइड कर रहे हैं कि अगर ये
ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो इस तरीके की पर्सनैलिटी होगी। लेकिन जब ट्रेट थियरीज की बात आती है तो वो कई बार स्पेसिफिक जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स या साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं वो इंक्लूडेड इसमें होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि टाइप थियरी में ब्रॉड पैटर्न जो है वो दिखाया गया है और ट्रेट थियरीज में बहुत जगह स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल जो है फैक्टर्स दिखाए गए हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको जितना चाहिए वो एक बार हम देख लेते हैं। पर्सनैलिटी की जो थियोरीज हैं जिसमें सबसे पहले हम कर रहे हैं टाइप थियोरीज, उसमें सबसे पहली है हिपोक्रेट्स की थियोरी। ये हिपोक्रेट्स ने दी थी। इसने पर्सनैलिटी को चार जो है टाइप में डिवाइड किया था। अब वो किस बेसिस पे डिवाइड किया था? बॉडी फ्लूइड के बेसिस पे, क्योंकि हिपोक्रेट्स का मानना था कि चार बॉडी फ्लूइड्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। एक है ब्लड, दूसरा है ब्लैक बाइल, थर्ड इज येलो बाइल और फ्लैगम। अब इनके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, इन चार में डिवाइड किया। यानी अगर ब्लड जो फ्लूइड है तो सैंग्विन, मेलेनकोलिक, अगर ब्लैक बाइल है तो कॉलेरिक यानी येलो बाइल, फ्लैगमेटिक यानी फ्लैगम है। तो ये चीज आपको थियोरेटिकल बेसिस पे याद होनी चाहिए, ये आपको याद करनी पड़ेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ऐसे ही कार्ल जंग की जो थियोरी है, कार्ल जंग ने पर्सनैलिटी की थियोरीज को तीन टाइप में डिवाइड किया, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, इंट्रोवर्ट जो कम एक्सप्रेसिव होते हैं या जो अपने आप में ही खोए रहते हैं, एम्बीवर्ट इन दोनों का मिक्सचर। फ्राइडमैन और रोजनमैन, इसमें टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी, चार तरीके से जो है इन्होंने टाइप पर्सनैलिटी को डिवाइड किया चार टाइप में। अब इसमें जो फ्रिक्वेंटली पूछा जा सकता है क्वेश्चन वो क्या है, टाइप ए जो कैरेक्टरिस्टिक्स है टाइप ए की, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक है या टाइप ए पर्सनैलिटी किसी में है तो वो हार्ट डिजीज या हाइपरटेंशन के प्रोन होते हैं। यानी इस तरीके की पर्सनैलिटी में हाइपरटेंशन और हार्ट की जो डिजीज है उनसे रिलेटेड इश्यूज पाए गए हैं। टाइप बी में कोई ऐसा इश्यू नहीं है, टाइप ए का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है टाइप बी। टाइप सी की अगर बात करें तो प्रोन टू कैंसर, और टाइप डी जो पर्सनैलिटी होती है वो प्रोन टू डिप्रेशन। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हैं कि आपने किस कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप ए बी सी और डी में इंक्लूड किए हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट जो है या एम्बीवर्ट किसने डिवाइड किया, तो वो कार्ल जंग ने। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखा होगा तो ही आपको आता होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली जो थियरी है क्रैट्समर की, उसमें उन्होंने चार टाइप में डिवाइड किया है, एस्थेनिक, एथलेटिक, पाइकनिक बोल लीजिए चाहे, या फिर डिसप्लास्टिक। अब ये किस बेसिस पे हैं, ये हमने देखा हिपोक्रेट्स ने फ्लूइड के बेसिस पे, कार्ल जंग ने जो बिहेवियर है उसके बेसिस पे, इन्होंने क्या किया जो मेडिकल टर्म्स में चीजें यूज होती हैं उस बेसिस पे। अब क्रैट्समर ने क्या किया, जो फिजिकल जो एस्पेक्ट है बॉडी का, फिजिकल एस्पेक्ट कि आप कैसे दिखते हैं, कि अगर आप थिन और टॉल हैं तो एस्थेनिक पर्सनैलिटी है, मस्कुलर या बैलेंस्ड बॉडी है आपकी तो एथलेटिक पर्सनैलिटी है, शॉर्ट या ये कॉमा नहीं आएगा ये ड्वार्फ, शॉर्ट या ड्वार्फ हम बोल देते हैं क्योंकि जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो हम ड्वार्फ वर्ड यूज करते हैं छोटे के लिए, तो ये ड्वार्फ और फैट बॉडी की जो गोलू मोलू से लोग होते हैं उनकी क्या है पिकनिक जो है वो क्या है पर्सनैलिटी है। डिस्प्लास्टिक क्या है, इल बैलेंस्ड और अंडर डेवलप्ड बॉडी। तो बेसिकली आप दिखते कैसे, आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है उसके बेसिस पे इन्होंने इन चार टाइप ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो डिवाइड कर दिया। फिर है स्प्रेंजर का, स्प्रेंजर ने तीन में डिवाइड किया, थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक और एस्थेटिक। ये किस बेसिस पे हैं, ये बिहेवियर के बेसिस पे हैं कि थ्योरेटिकल में कौन आ जाते हैं मैथमेटिशियन और फिलोसोफर्स, इकोनॉमिक में कौन आ जाता है बिजनेसमैन और ट्रेड्समैन, एस्थेटिक में कौन आ जाते हैं पोइट्स और आर्टिस्ट, तो ये आपको याद रखना है। शेल्डन ने जो है वो किस बेसिस पे, सोमेटिक सेल जो हमारी बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं, सोमेटिक सेल में किस किस तरीके से आपकी बॉडी है उसके बेसिस पे, सोमेटिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो वो क्या तीन टाइप से, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। तो आपको ये जो है याद होने चाहिए, ये टाइप थियरीज थी हमारी छह की छह। अगर ट्रेट थियरीज की बात करें तो हम जॉर्डन एल्पर्ट की थियरी काफी पढ़ते हैं जिसमें उन्होंने तीन टाइप के ट्रेट्स में जो है डिवाइड किया है कि कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स और सेकेंडरी ट्रेट्स। ये आइजन की बात करें हम तो एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट की बात कर रहे हैं तो वो कार्ल जंग ने दी है और वो टाइप थियरीज हैं। लेकिन अगर हम एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन की बात कर रहे हैं तो ये ट्रेट थियरीज हैं और ये हंस आइजेंक ने दी है। इसका जो सेकेंड टाइप होगा वो क्या है, वो न्यूरोटिसिज्म और
स्टेबिलिटी कि आपकी जो नर्वस सिस्टम है कि आप कितने स्टेबल हैं या फिर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं या आप हाई टेम्पर्ड हैं या शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, तो उस बेसिस पे। फिर तीसरा जो आता है वो है साइकोटिसिज्म यानी और नॉर्मैलिटी। तो ये इन्होंने क्या किया, ये एक रेंज दे दी इन्होंने, इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन, तो ये एक रेंज जो है वो इन्होंने दी है। तो ये तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब कैटल ने क्या किया, रेमंड कैटल ने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स जो है उसकी लिस्ट दे दी, वो ट्रेट थियरीज 16 जो है पर्सनैलिटी फैक्टर्स की, जो पर्सनैलिटी की ट्रेट्स हैं वो जो है फैक्टर्स, उन्होंने एक लिस्ट दी। उस लिस्ट को हमें याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं, आप एक रीडिंग लेके छोड़ सकते हैं। कैटल ने वो जो लिस्ट बनाई वो किस बेसिस पे, मतलब वो डाटा किस बेसिस पे जो है इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो तीन तरीके के डाटा की बात करते हैं, एल डाटा, क्यू डाटा और टी डाटा। तो अब ये चीजें जो हैं, आपको ये टर्म्स किसकी किससे रिलेटेड हैं, कि अगर डाटा से रिलेटेड बात हो रही है तो वो कैटल ने की है, अगर ट्रेट्स, कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स, सेकेंडरी ट्रेट्स की बात हो रही है तो वो जॉर्डन एल्पर्ट ने की है। तो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है चार स्लाइड्स की, 1, 2, 3, ये तीन स्लाइड्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब हम इन सभी को जो है, ये जो हमने थियरीज की बात की, ट्रेट और टाइप, इनको हम डिटेल में बात करते हैं आपके बीएड और एमएड के थियोरेटिकल एग्जाम्स के लिए। जब आप थियोरेटिकल एग्जाम्स लिख रहे हैं तो अगर आपके एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछा गया कि आप हिप्पोक्रेट की थियोरी दीजिए, जो कि यूजुअली नहीं पूछा जाता क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं होते स्पेसिफिक नाम से, तो आप कोई भी जो है एक या दो थियोरीज को अच्छे से याद कर लेना। लेकिन जब आप सिर्फ एक थियोरी याद कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में डिटेल याद रखनी पड़ेगी, आपको ये पूरी टेबल जो है वो अच्छे से याद होनी चाहिए और आप इसको लिख के आएंगे। हिप्पोक्रेट्स ने जो दी थी, हमने बात की कि पर्सनैलिटी टाइप को चार में डिवाइड किया, आप SMCP से इसको याद रख सकते हैं। पहला है सैंग्विन, बॉडी फ्लूइड क्या होगा, ब्लड, क्योंकि बॉडी फ्लूइड के बेसिस पे इन्होंने चार पर्सनैलिटी टाइप्स जो है वो डिसाइड किए। अब इन पर्सनैलिटी टाइप्स को कुछ, ये जो हम पंच तत्व की बात करते हैं या फिर पहले की जो ट्रेडिशनल चीजों की बात करते हैं, तो उसमें चार इन एलिमेंट से जोड़ा गया, यानी सैंग्विन पर्सनैलिटी को एयर से जोड़ा गया। अब एयर क्या है, बहती रहती है वो वाली सिचुएशन, तो आप एयर की कैरेक्टरिस्टिक्स को मान के चल सकते हैं, ऑल्दो ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है लेकिन याद करने के लिए, कि जो सैंग्विन पर्सनैलिटी के लोग हैं जिसमें बॉडी फ्लूइड ब्लड होगा, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी, हैप्पी होंगी, होपफुल होंगे, उम्मीदवार, जो कि आप किसी चीज़ के लिए उम्मीद रखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होंगे यानी आशावादी होंगे, अकोमोडेटिंग और लाइट हार्टेड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं, सैंग्विन पर्सनैलिटी की। अब ये जो इस जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रखे हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, पर्सनैलिटी के टाइप को असाइन कर रहे हैं, सिंपल। ऐसे ही मेलनकोलिक में बॉडी फ्लूइड ब्लैक बाइल होगा, एलिमेंट अर्थ होगा, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, ये लोग सैड टाइप के, डिप्रेस्ड या पैसिमिस्टिक यानी निराशावादी, कि जिनको जिंदगी से कोई उम्मीद ही नहीं है, वो जिंदगी जीने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। तो इस तरीके की जो पर्सनैलिटी होगी वो मेलनकोलिक जो है पर्सनैलिटी का टाइप होगा अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट्स। फिर आता है कोलेरिक, इसमें येलो बाइल जो है वो बॉडी फ्लूइड होगा, एलिमेंट जो है वो फायर होगा, फायर यानी कि एंग्री, फायर का जो है वो सिंबॉलिक मीनिंग आप इनको मान के याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर ये याद है एलिमेंट्स तो उस बेसिस पे आप, जैसे पानी क्या होता है, शांत तरीके से बहता रहता है, तो वो काम, स्लो, स्लगिश, एक अलग तरीके की पर्सनैलिटी, तो वो क्या होगी, फ्लैगमेटिक, फ्लैगम जो है वो इसमें क्या होगा, बॉडी फ्लूइड होगा। कोलेरिक की बात करें तो वो फायर जब एलिमेंट है तो एंग्री, इरिटेबल, पैशनेट होंगे, उनमें आग होगी कुछ करने की, ये बात हम मान के चल सकते हैं। तो ये चार पर्सनैलिटी टाइप्स किसके हो गए, हिप्पोक्रेट्स के। कार्ल, ये जब सी जी जंग जो है इनको बोल देते हैं, कार्ल जस्टाव जंग, इनकी थियरी में इन्होंने तीन तरीके से बात की, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। जब ये एक्सट्रोवर्ट की बात करते हैं तो एक्सट्रोवर्ट क्या है, अपने आइडियाज को बोल के अच्छे से बता सकते हैं, बेसिकली आप एक वर्ड अगर याद रखेंगे तो एक्सट्रोवर्ट जो है वो काफी ओपन होते हैं, वो सोशल होंगे, ओपन होंगे, अच्छे से बात करेंगे। इंट्रोवर्ट जो है वो अच्छे से ओपनली बात तभी करेंगे जब वो किसी पे ट्रस्ट करते हैं, तो वो इजीली ओपन अप नहीं होते। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखनी है कि उनके एटीट्यूड में किस तरीके का उनका बिहेव है, ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर है फ्राइडमैन एंड रोजनमैन की थियरी, जिसमें हमने चार टाइप की बात की है, टाइप ए, बी, सी और डी। तो टाइप ए में किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, हाईली मोटिवेटेड होंगे ये, लैक ऑफ पेशेंस होगा यानी पेशेंस कम होगा, या शॉर्ट टेम्पर्ड या अग्रेसिव लगा लीजिए, क्योंकि तभी हाइपरटेंशन की डिजीज जो है उसके प्रोन होते हैं ये, तो हाइपरटेंशन या हार्ट रिलेटेड डिजीज, आप इससे भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है क्या रख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपको ये ध्यान है कि
टाइप ए जो पर्सनालिटी के लोग हैं अकॉर्डिंग टू फ्राइडमैन एंड रोजनमैन की थियरी, वो हाइपरटेंशन या हार्ट डिजीज से रिलेटेड उनको बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज। टाइप बी क्या होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा टाइप ए का। टाइप सी की अगर हम बात करें तो ये कोऑपरेटिव होंगे, पेशेंट होंगे, नेगेटिव ये अपनी नेगेटिव इमोशंस ये जैसे एंगर है या अग्रेसिवनेस है उसको दबा के रखेंगे। तो और ये किसके प्रोन होते हैं, ये कैंसर के प्रोन देखे गए, क्योंकि फ्राइडमैन और रोजमन जो है वो डॉक्टरी वाले जो पेशन है हमारा एमबीबीएस वाला जो उसके अंदर इन्वॉल्व थे, तो वहां से उन्होंने फिर क्या किया, जैसे जैसे जिस तरीके के पेशेंट्स उन्होंने देखे उस बेसिस पे उन्होंने इन टाइप को क्या किया, कॉम्प्रिहेंड कर दिया। टाइप डी की अगर हम बात करें तो सीम्स टू पजेस फीलिंग ऑफ वरी, सैडनेस, इरिटेबल, तो पैसिमिस्टिक आउटलुक, यानी वही सैडनेस वाला। तो डिप्रेशन उन्हीं लोगों को होगा जो अपनी बातें शेयर ना करें, या फिर जो सोशल सिचुएशंस हैं उनमें जाना प्रेफर ना करें, जो सोशली अवॉइड करें चीज़ों को, ठीक है। फियर ऑफ रिजेक्शन जिनमें हो, एक होपलेसनेस हो, पैसिमिस्टिक हो या पैसिमिस्टिक आउटलुक या निराशावादी हो, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उस तरीके के लोगों में डिप्रेशन की जो है वो चीज़ें देखी गई हैं। तो ये क्या हो गया, फ्राइडमैन और रोजमन की थियरी। क्रेट्समर की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने चार टाइप में डिवाइड किया, ए ए पी डी से आप याद रख सकते हैं, स्थानिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिसप्लास्टिक। यानी जो लंबे पतले लोग होंगे वो क्या क्या पर्सनैलिटी बोली उनकी, स्थानिक, ये बॉडी टाइप है, बॉडी टाइप के बेसिस पे इन्होंने पर्सनैलिटी का टाइप डिवाइड किया। ऐसे ही उनकी पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, कि जो इन ऐसा इनका मानना था, जरूरी नहीं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। और जब अगर आप मेंशन कर रहे हैं इनकी कि ये जो क्लासिफिकेशन है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, तो उन लिमिटेशंस में भी आप ये चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं कि पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स में जो दी गई हैं, जरूरी नहीं है ऐसे ही सिर्फ इतने ही तरह के लोग हों। तो सबसे जो इनका लिमिटेशन रहेगी इन थियरीज में वो यही रहेगी कि ये लिमिट कर रहे हैं किसी चीज को, जबकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब बॉडी टाइप, इनकी पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ये शाय होंगे, सेंसिटिव, पेसिमिस्टिक, रिजर्व्ड और अनसोशल लोग होंगे, यानी जो सोशल होना पसंद नहीं करते, अपने आप तक रिजर्व। तो एक तरीके से ये सारी की सारी इंट्रोवर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स ही दिख रही है हमें, तो ये थिन और टॉल लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताई। एथलेटिक यानी कि मस्कुलर और बैलेंस्ड बॉडी होगी, एडजस्टेबल होंगे, क्योंकि एथलेटिक्स में आप जाते हैं आपको कहीं भी कुछ भी काम करना पड़ता है, कि आप जो है कैंप्स में जा रहे हैं या आप जो है एडजस्ट करके सभी जो है बाकी बच्चों के साथ सो रहे हैं, तो वो सिचुएशन क्या है, एथलेटिक्स जो है वो एडजस्टेबल होते हैं, एनर्जेटिक और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ये एथलेटिक के पर्सनैलिटी है। पिकनिक की अगर बात करें तो इसमें ड्वार्फ यानी जो छोटे और मोटे लोगों की बात हो रही है, तो वो हैप्पी गो लकी टाइप पर्सन होंगे, अच्छा नेचर होगा, सबसे बातचीत करना पसंद करेंगे, तो ये क्या हो गया, पिकनिक टाइप की पर्सनालिटी। फिर है डिसप्लास्टिक, इसमें इल बैलेंस्ड और अंडर डेवलप बॉडी, यानी एक तरीके से माल न्यूट्रिशन के जो शिकार हों, इसमें क्या होगा, उनकी पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताए, कि उनके जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं या फिर सेक्स रिलेशन में वो क्या होंगे, इनकम्पैटिबल होंगे, तो ये अंडर डेवलपमेंट की बात हो रही है बॉडीली लेवल पे, वो क्या होंगे, डिसप्लास्टिक। नेक्स्ट है शेल्डन की क्लासिफिकेशन, इसमें मैंने आपको बताया था कि सोमेटिक डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया है, जिसमें ये बात करते हैं विसरा की और सोमेटिक स्ट्रक्चर की। सोमेटिक स्ट्रक्चर क्या होगा, हम दो तरीके की सेल्स भी पढ़ते हैं, सोमेटिक सेल्स, जर्मिनल सेल्स, तो सोमेटिक स्ट्रक्चर क्या है, सेंसरी और मोटर नर्व से रिलेटेड होगा, जिसमें ये जो बात कर रहे हैं सोमेटिक स्ट्रक्चर की। विसरा की अगर बात करें तो लार्ज इंटरनल ऑर्गन्स को जो है विसरा बोल देते हैं, जैसे हार्ट है या लंग्स हैं, तो अगर वो हाईली डेवलप्ड हैं, वो हाईली डेवलप्ड किस में होंगे, एंडोमोर्फिक में, लेकिन सोमेटिक स्ट्रक्चर वीक होगा, ये इजी गोइंग, सोशल और अफेक्शनेट पर्सन जो है वो इसमें इंक्लूडेड होंगे। मेसोमोर्फिक की बात करें तो बैलेंस्ड होंगे, यानी कि विसरा और सोमेटिक स्ट्रक्चर बैलेंस्ड होगा इनका। एक्टोमोर्फिक में जो विसरा है वो अंडर डेवलप्ड होंगे, जो बॉडी, जो लार्ज इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं, और सोमेटिक स्ट्रक्चर वीक होगा, तो ये क्या होंगे, शाय, सेंसिटिव, पेसिमिस्टिक, तो ये जो है आपको पर्सनालिटी के ट्रेट्स याद रखने हैं। अब आते हैं स्प्रेंजर की क्लासिफिकेशन पे, इन्होंने क्या किया, बिहेवियर के बेसिस पे, थियोरिटिकल, इकोनॉमिक और स्थैटिक। थियोरिटिकल कौन सा बिहेवियर होगा, जो कि फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रियलिस्टिक पीपल जो होंगे, जैसे मैथमेटिशियंस और फिलोसोफर्स। इकोनॉमिक में क्या, बिजनेसमैन, ट्रेड्समैन, जिनका क्या होगा, इकोनॉमिक माइंड जो होगा, इकोनॉमिक थॉट्स होंगे, यानी फाइनेंशियल सिचुएशंस या
फाइनेंस से रिलेटेड चीजें जो है उनके दिमाग में रहे, उनका बिहेवियर उस तरीके का हो, तो इनका बिहेवियर इज गाइडेड बाय इकोनॉमिक थॉट्स एंड एक्टिविटीज। फिर है एस्थेटिक, इसमें क्या है, पोइट्स और आर्टिस्ट इन्वॉल्व होंगे। पोइट्स और आर्टिस्ट हैं यानी कि उनका टेस्ट फॉर ब्यूटी और एस्थेटिक सेंस से उनके जो बिहेवियर है वो गाइडेड होगा। तो ये स्प्रेंजर की क्लासिफिकेशन होगी जो कि बिहेवियर के बेसिस पे है। ट्रेड थियरीज की बात करें तो जॉर्डन एल्बर्ट ने तीन तरीके के ट्रेड्स की बात की थी, कार्डिनल ट्रेड, सेंट्रल ट्रेड और सेकेंडरी ट्रेड। कार्डिनल ट्रेड कौन से होंगे, ये बहुत रेयर होते हैं क्योंकि ये डोमिनेटिंग होते हैं, कि अगर इस तरीके का ट्रेड मान लीजिए आप, और ये लेटर लाइफ के लेटर स्टेज में होंगे कि आपने जिंदगी इस तरीके से आपकी जिंदगी रही है कि आप बिल्कुल पैसिमिस्टिक हो गए, तो जो पैसिमिस्टिक की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो ट्रेड जो होगा वो कार्डिनल ट्रेड माना जाएगा। तो ये इजीली जो है हम इसके एग्जांपल ज्यादा नहीं देते क्योंकि ये डोमिनेटिंग होते हैं, लाइफ टाइम आप वैसे ही रहेंगे, प्लस ये लाइफ में आगे जाके जब आप देखेंगे तब डेवलप होते हैं। फिर है सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म बेसिक पर्सनैलिटी फाउंडेशन, यानी कि जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये क्या है, रेयर हैं, डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कार्डिनल की। सेंट्रल ट्रेड्स क्या हैं, नॉर्मल जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे काइंडनेस, ऑनेस्टी, या आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपका बिहेवियर। तो सेकेंडरी ट्रेड्स में क्या आ जाएगा फिर, कि सेकेंडरी ट्रेड्स में सिचुएशन के बेसिस पे हैं चीज़ें, जैसे कि अगर आपको स्पीच देने जाना है तो आप नर्वस हैं स्पीच देने से पहले, या किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे हैं तो आप उससे पहले नर्वस हैं थोड़े से, तो वो चीजें कौन, वो ट्रेड्स किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी ट्रेड्स में। इसके बाद अगर हम बात करें तो रेमंड कैटल ने जो है 16 जो पर्सनालिटी फैक्टर्स दिए थे, ये हमारे 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं जो आप एक बार रीडिंग ले लीजिएगा। अब जो एल डाटा, क्यू डाटा, टी डाटा की हमने बात की थी, कि जब आप पर्सनालिटी को एक अच्छे तरीके से मैप आउट करना चाह रहे हैं, यानी एक अच्छी की पर्सनालिटी एग्जैक्टली है कैसी वो जानना चाह रहे हैं, तो डाटा किस बेसिस पे कलेक्ट होगा, एल डाटा को ये बोल रहे हैं लाइफ रिकॉर्ड्स और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो डाटा इंक्लूड है या जो डाटा कलेक्ट किया है। क्यू डाटा कौन सा होगा, जो क्वेश्चनेयर से कलेक्ट की गई है इन्फॉर्मेशन। टी डाटा कौन सा होगा, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट से इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है। तो ये तीन तरीके के डाटा की ये बात करते हैं, और ये जो टेस्ट है कैटल, रेमंड कैटल का जो टेस्ट है, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस में और जब थेरेपी प्लान करते हैं डॉक्टर्स तो उस टाइम के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी देखा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट टेस्ट की, हमारी हैंस आइसन की थियोरी की, जिसमें तीन डायमेंशंस इन्होंने लिए हैं, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन। ये इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन वही इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट से ही रिलेटेड होंगे। फिर है न्यूरोटिसिज्म और इमोशनल स्टेबिलिटी, ये मूड जो है आपका उस पे उससे रिलेटेड है ये, कि न्यूरोटिसिज्म में क्या आ गया, इंडिविजुअल की टेंडेंसी अपसेट होने की या इमोशनल होने की, कि वो ज़्यादा इमोशनल है, या फिर अगर वो स्टेबल है तो वो इमोशनल स्टेबिलिटी उनकी दूसरी साइड होगी। तो ये दो एक्सट्रीम चीज़ों की बात कर रहे हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, न्यूरोटिसिज्म यानी कि आप इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा, ओवर इमोशनल, और या फिर आप इमोशनल स्टेबल हैं। फिर जो इन्होंने बहुत सारी स्टडीज़ जो की लोगों को देख के, या जो इनके पास पेशेंट्स थे उनको देख के, तो वो साइकोटिसिज्म जो है इन्होंने लास्ट जो पर्सनालिटी का डायमेंशन है वो इंक्लूड किया। अब इंडिविजुअल्स जो हु आर हाई ऑन दिस ट्रेट टेंड टू हैव डिफिकल्टी डीलिंग विद रियलिटी, जो कि एंटी सोशल भी हो सकते हैं, नॉन एम्पेथेटिक हो सकते हैं, तो वो रियल सिचुएशन से भागते हैं ये मान लीजिए, या फिर उनसे रियल सिचुएशंस बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, उनको डील नहीं कर पाते उनसे, तो वो क्या किस में आ जाएंगे, साइकोटिसिज्म में, जो डील कर पाते हैं वो किस में आ जाएंगे, नॉर्मल में। तो ये तीन चीज़ें जो है ये किसने बात की थी, हैंस आइसन की थियोरी में इनकी बात की गई है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पर्सनैलिटी थियरीज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।